नमस्कार, आप देख रहे हैं JNI न्यूज और मैं हूं दिवाकर आपके साथ। पीड़िता के घर मिलने जा रहे हाथरस राहुल गांधी, कांग्रेसी नेता और प्रियंका गांधी के गिरफ्तार होते ही जनपद बहराइच में कांग्रेसियों ने जमकर उत्पात मचाया। मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने के साथ साथ कांग्रेसियों ने DM कार्यालय के सामने मेन सड़क को जाम कर दिया, जिसको लेकर पुलिस और कांग्रेसियों के बीच जमकर हाथापाई और नोकझोंक हुई। कांग्रेसियों की मांग है कि योगी सरकार ने जिस तरह तानाशाही पूर्ण रवैया अपना कर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया, उन्हें तत्काल रिहा करना होगा, अन्यथा कांग्रेसी कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से छोड़कर उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। आइए देखते हैं अब्दुल कादिर की एक रिपोर्ट। जी अध्यक्ष जी, आप लोग कोतवाली परिसर में बैठे हैं धरने पर, किस लिए यहाँ बैठना पड़ा आपको धरने पर? देखिए, अभी अभी अचानक हम लोग हमारे शहर अध्यक्ष जी का आज सम्मान समारोह था, उनको मनाया गया था शहर, तो हम लोग अपने अध्यक्ष का सम्मान समारोह कर रहे थे कि अचानक हम लोगों से खबर आई हमको कि हमारे नेता राहुल गांधी जी को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गिरफ्तार कर लिया और प्रियंका जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, और गिरफ्तारी करते समय उनको जिस बर्बरता से खींच करके वो जमीन पे गिर पड़े हैं। मेरा संज्ञान में ये बात आई तो हमने उस प्रोग्राम को स्थगित करके सड़क चक्का जाम किया है। जाम करके हम लोग कोतवाली लाए गए हैं, इन लोगों ने पुतला फूंका, हम लोगों ने यहाँ कोतवाली ला के हम लोगों को रखा। हम इस कोतवाली से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारी नेता को छोड़ा जाएगा और या फिर हम भी जल जाने के लिए यहाँ के लिए बाध्य होंगे। और यहाँ हम लोग बैठे हैं सवेरे तक, हम देख रहे हैं अभी रात तक, अगर हम रात में देख रहे हैं, अगर उनको छोड़ दिया गया तो कोई बात नहीं, अगर नहीं छोड़ा गया तो सवेरे तक इस जेल को भरने की पूरी ताकत है हमारे पास, इस जेल में जगह नहीं बचेगी और प्रशासन को नाक में जमा। आप कब तक यहाँ से नहीं उठने का प्रण लेकर? हमारा नेता जब तक छोड़ा नहीं जाएगा तब तक मैं इस परिसर को जेल में अंदर जेल भरते रहेंगे और जेल भरने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा जितना मेरी ताकत है। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति हमारी यही है कि नेता को छोड़ दिया जाएगा तो हम लोग जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। अगर नहीं छोड़ा गया तो जेल भरो आंदोलन है पक्का, इसमें कोई शंका न पाली। राहुल जी को, हाँ, और राहुल जी को छोड़ा जाए और नहीं नेता हमारा छूटा तो मेरे सामने कोई चारा ही नहीं। मेरा नेता जेल में रहे, मैं बाहर अपने घर खाना खाऊं, सो, ये मुझसे नहीं होता।